नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने गोरखनाथ मंदिर के बाहर रोड के किनारे बने नाले के ऊपर अतिक्रमण को अभियान चलाकर खाली करवाया, जिसके संबंध में प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने बताया कि यातायात तिराहा से गोरखनाथ मंदिर तक अतिक्रमण अभियान चलाया गया। गोरखनाथ मंदिर पर प्रतिदिन वीआईपी आते रहते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का खुद का मठ एवं आवास है, लेकिन यहां आए दिन ठेला वाले मंदिर के बाहर बने नाले पर अपना ठेला लगाते हैं। उन्हें बताया कि स्मार्ट सिटी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि गोरखपुर को सुंदर बनाया जाए। पहले से अब महानगर की रोडें चौड़ी हो गई हैं, ठेला लगाने से मंदिर ठीक से नहीं दिखाई देता है और इन्हीं की वजह से दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। आज उसी के तहत इन ठेले वालों को हटाया गया और आगे हिदायत दिया गया कि अगर फिर से कोई ठेला यहाँ लगाता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रवर्तन दल के प्रभारी कर्नल सीपी सिंह ने कहा, और इसके ये आखिरी एक रास्ता है, ये आज की बात नहीं है, ये क्या बनी लगे आपको लगाना कि वहां लगाइए यहाँ भी लगे किसी प्रकार का कोई ठेला लगा हुआ पाया गया तो आपके साथ सख्त सख्त कार्रवाई किया जाएगा, आपका ठेला को भी जब्त किया जाएगा, साथ ही आपको भी, उससे आपका घर घर का नुकसान होगा। आप मेहरबानी करके अपने ठेले को कहीं मिला के लगाए। आपको लगाना है कहीं और लगाओ, यहाँ लगेगा ये पूरी लाइन खाली रहेगी, ये भी सुबह शाम को लगाते हैं, सुबह लगा मंदिर के बाहर साइड में बाउंड्री वाल के पास, उसको ये आपका बोर्ड वही रहेगा होगा। आज ये अभियान हम लोगों ने एक्चुअली शुरू है, ये सुबह से हम लोग अभियान चला रखा है यातायात से लेके हम लोग गोरखनाथ मंदिर तक। एक्चुअली ये गोरखनाथ मंदिर का इलाका बड़ा बड़ा ये सेंसिटिव इलाका है, यहाँ पे आए दिन वीआईपीज भी आते हैं और मुख्यमंत्री जी का ये खुद का मठ है। बगल में क्या है, अभी अभी बीच में ये दुकानें हम लोगों ने हटवाई दी कि इसको बिल्कुल ये जो गोरखपुर अपना है ये महानगर का रूप रेखा का एक कॉन्सेप्ट है कि और स्मार्ट सिटी के तहत इसको बहुत बढ़िया हम लोग मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि इसको बनाया जाए। रोडें बिल्कुल चौड़ी हो गई हैं, जो पेडेस्ट्रियल लेन थी वो अतिक्रमण थी, अतिक्रमण के साथ में मतलब लोगों इस पर ठेले वाले घुंचे वाले और जो आम जनता है उसको चलने नहीं देते थे, तो एक शिकायत कहीं से आई थी कि ये जो पेडेस्ट्रियल्स है ये बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है ठेले वालों ने, और फिर वो भी गोरखनाथ मंदिर के सामने
ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है, ये बिल्कुल मतलब जो जिसका इंटरनेशनल फेम है, गुरुनाथ मंदिर का इंटरनेशनल फेम है, जैसे आपका गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में उसी तरह ये मतलब बहुत बड़ा इसका मतलब फेम है। तो वहाँ पे ये जो सुरक्षा की दृष्टि से बाहर वाले जो पे एनक्रोचर्स थे, इन्होंने ऐसा एनक्रोचमेंट करके रखा था कि एक तो मंदिर ठीक से दिखता नहीं था, दूसरा मान लो कोई 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 बात हो जाए तो हमें पुलिस को भी टैकल करने में थोड़ी दिक्कत होती है। इसीलिए मैंने इनको ठेले वालों को आज हटाया और आज के बाद हिदायत दी कि अगर दोबारा ये लगाएंगे तो सख्त से सख्त जुर्माना करेंगे और इनका ठेला हम जब्त करके नगर निगम में स्टोर में लेके जाएंगे, कि रीज़न है हमें सुरक्षा भी देखनी है और पब्लिक का ध्यान भी देखना है और जो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ पर साकार करना है। उसी की तरह हम लोग इकट्ठा हुए आज हम इस पर काम कर रहे हैं।